Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। इसका नाम है जी टी पोस्ट फिश विद पोमोडोरो सॉस। मैं बिल्कुल नेगेटिव हाँ, मैनू किसी नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, मैं जितन लई कुछ भी कर सकती हाँ, किसी नू जान तो मार भी सकती हाँ। मैं भी तो तुसी मैनू ही ट्राई जाने हो। मेरी कुड़ी है शो च, मैनू ओदे नाल भी कोई प्यार नहीं है। मतलब मेरा कैरेक्टर इदा दा है कि मैं जितन लई ना ओनू भी दाते ला सकती हाँ, समझ रहे हो ना तुसी मैं की कह रही हूं। हां जी हां जी, मैनू थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग रहा है, पर तुसी ना इस तरह ना करो, मैं थोड़े लिए ना बहुत ही टेस्टी बहुत फ्लेवरफुल डिश बनाने लगे हैं। आई होप जेड़ा थोड़ा कैरेक्टर है ना जी सवरीन जी, ओनू बहुत वधिया है पसंद आएगी डिश, देख लियो ना। मन जी फिर बाकी शो तो तुसी देखदे ही हो मेरा। हां जी हां जी, जे ना पसंद आए फिर सवरीन की कर सकती है वो तो थानू पता ही है। नहीं मैम तुसी बिल्कुल टेंशन ना लो, देखो किन्ने सोने तरीके ना बिल्कुल ना एक एक साइज जेड़ा मैं वो बराबर कट रहा हूं ताकि जेड़ा फ्लेवर्स आए ते इदी कुकिंग है प्रॉपर होवे। ते देखो टमाटरां नू असी डाइसेस दे विच कन्वर्ट कर रहे हैं, ते बिल्कुल इसे तरह आपां सारे टमाटर जेड़े हैं कट लवांगे, ते फिर आपां गार्लिक नू प्रोसेस करांगे। ते हुण असी जिहड़ी कटिंग दा प्रोसैस हैगा वह कंप्लीट कर चुके हैं, नैक्सट स्टैप है जिहड़ी सॉस है ना जी उहदी तैयारी करनी है। वधिया जिहा एक तड़का बनावांगे सब तो पहला, ते पैन नू गर्म करके इस दे विच मैं ऐड करना थोड़ा जिहा ओलिव ऑयल। इत्थे मैं 2-3 चम्मच ओलिव ऑयल ऐड कर रहा, ते ओलिव ऑयल ऐड करके इस च असी ऐड करांगे आ चॉप किया हुआ गार्लिक। इस दे नाल नाल असी ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्च। ते दोनों इंग्रीडियंट्स नूं आपां चंगी तरह भुन लेना। हुण आपां इस च ऐड करांगे थोड़े जे हर्ब्स, इस नूं होर असी खुशबूदार बनाना है। 1/2 चम्मच मैं ऐड कर रहा ओरिगैनो दा, 1/4 चम्मच जा रहा जी बेजिल, ते 1/2 ही चम्मच जा रहा थाइम। ते तीनों हर्ब्स नूं आपां चंगी तरह मिक्स कर लेना, इहदे विच भुन लेना। ते लो जी सारियां हर्ब्स जिहड़ियां बहुत वधिया सौते हो चुकियां, खुशबू देखो किन्नी वधिया आ रही है। ते हुण इस स्टेज ते असी ऐड करांगे टमाटरां दी पेस्ट। इत्थे असी 2-3 टमाटर यूज कर रहे हैं। ते जी इस स्टेज ते जिहड़ी टमाटर दी पेस्ट है उहनूं असी थोड़ी देर लई भुन्नांगे जद तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हुंदा। आ देखो जिहड़ी साडी सॉस है बिल्कुल ड्राई हो चुकी है जी। हुण इस स्टेज ते आपां ऐड करन लगे हां ये चॉप किए हुए टमैटोस। ते जिहड़े ये टमाटर ने जी उहनूं आपां ड्राई हुई भी टमैटो प्यूरी दे नाल मिक्स कीता है, देखो किन्ना वधिया इसदा ब्राइट कलर है। इस स्टेज ते आपां ऐड करन लगे हां जी 1/2 चम्मच नमक ताकि जिहड़े टमाटर ने वो सॉफ्ट हो जाण ते ये ग्रेवी टाइप बनन लग जाण। इन्हां नूं आपां चंगी तरह मिक्स करके 7-8 मिनट लई पकावांगे, ते फिर आपां कंटिन्यू करदे हां जी अगला प्रोसैस। थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, देखो किन्ने वधिया लग रहे हैं। हाँ नमन जी, ये तो देखने च बड़ा सोहना लग रहा है, टेस्ट भी बहुत होगा जी। बिल्कुल बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। ते हुण आपां इस स्टेज ते थोड़ा इसनूं ना बैलेंस करना है क्योंकि ये डोमिनेंट फ्लेवर हो गया टमाटरां दा, असी प्यूरे भी यूज कीती है ते चॉप टमेटोज भी हैं। इहनूं बैलेंस करन लई असी ऐड कर रहे हैं 1/2 चम्मच काली मिर्च दा पाउडर ते 2 चम्मच शहद। चंगी तरह जी इसनूं मिक्स करांगे। ते लो जी हुण शहद ते काली मिर्च चंगी तरह आपां मिक्स कर लीती। नैक्सट स्टैप है बड़ा ही सिंपल जी, इहनूं हुण आपां ढक्कन लगा देना है ते आपां इसनूं स्लो हीट ते थोड़ी देर लई कुक होण देवांगे। ते मीनवाइल जिहड़ा फिश दा कुकिंग प्रोसैस है वह मैं शुरू करदा। ते इत्थे असीं बनाउण लगे हां जी पोस्ड फिश। पोचिंग एक कुकिंग मैथड हुंदा जिहदे विच थोड़ा जिहा पानी हुंदा है, बड़ा ही फ्लेवरफुल लिक्विड हुंदा है, ते उस लिक्विड दे विच आपां बिल्कुल स्लो हीट ते इंग्रीडियंट्स नूं पकाने हां। ते शुरुआत करदे हां जी, थोड़ा इस च पानी ऐड करांगे ते इस पानी नूं आपां फ्लेवर देना जी। इस च फ्लेवर देने लई थोड़े जिहे असीं खड़े मसाले ऐड करांगे। सब तो पहलां एक तेज पत्ता, थोड़ी जिही दालचीनी ते कुछ लौंग। इस दे नाल नाल कुछ ड्राइड हर्ब्स असीं ऐड कर रहे हां जी इसनूं फ्लेवर देने लई। 1/4 चम्मच थाइम, 1/4 चम्मच ही ओरिगैनो, इस दे नाल नाल 1/4 चम्मच बेजिल, ते थोड़ा जिहा इसनूं सॉल्टी बनाने लई नमकीन बनाने लई 1/2 चम्मच नमक ताकि जिहड़ा फिश दे विच फ्लेवर है वह आ जाए। हुण आपां चंगी तरह सारे इंग्रीडियंट्स नूं मिक्स करना है। ते जिहड़ा लिक्विड है जी बॉयल हो चुके आ, इत्थे मैं थोड़ा जिहा मसलिन क्लॉथ नूं फोल्ड कीता है ते इहदे विच मैं 3-4 चम्मच जिहड़ी चाह है वह प्लेस कर रहा। थोड़ा इसनूं लंबे लोट आपां रखांगे ताकि फोल्ड करना ईजी हो जाए।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੋਟਲੀ ਮੈਂ ਪੋਚਿੰਗ ਲਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਹ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਚਿੰਗ ਲਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਚਿੰਗ ਲਿਕਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਸਦਾ ਕਲਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫਲੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੋਚਿੰਗ ਲਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜੈਂਟਲੀ ਉਸਨੂੰ ਪੋਚ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੈਨਰਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਚ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪੋਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਲਿੱਪ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਫਿਸ਼ ਕੁੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਓਵਰਆਲ ਹੋਬੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ 2 ਹੋਬੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਨਚਾਉਣਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਸਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਯੂੰ 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 ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੋਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲਿੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੈਂਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਿਸ ਆਪਾਂ ਫਲਿੱਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਇਸ ਪੋਚਿੰਗ ਲਿਕਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਲਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰੇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਬੈਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੋਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਆਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਨੂੰ ਪੋਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਲਰ ਆਇਆ ਜੀ ਟੀ ਪੋਚਡ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਪੋਮੋਦੋਰੋ ਸੌਸ ਇੱਕਦਮ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਪਲੇਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੇਟ 'ਚ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ 2 ਤੋਂ 3 ਚਮਚ ਇਹ ਸੌਸ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਪੀਸ ਪੋਚਡ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਲੈਟਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਕਲਰਫੁਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੇਸਟ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਅਤੇ ਫਲੇਵਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹਾਂਜੀ ਨਮਨ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੱਚੀ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 5 ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ